Good morning, everybody. Today we will discuss on those commoners which are frequently asked in different exams and which are based on model auxiliaries. तो model auxiliaries के उन हम examples को उन questions को discuss करेंगे जो अक्सर exams में पूछे जाते हैं. पहला question है, my brother thinks that somebody must have dared steal the car. मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो यहां तक तो पार्ट सही है. लेकिन यहां डेयर जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सहायक क्रिया तो मस्ट हो गई. जब डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो मेन वर्ब के बाद जब नीड और डेयर बेसिकली मेन वर्ब का काम करते हैं, उनके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है, यानी टू आता है. पार्ट सी गलत है, यहां टू स्टिल आना चाहिए, टू स्टिल आना चाहिए. तो ये एरर पार्ट हो गया सी. सेकेंड पॉइंट, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन. जनरली टाइम एंड टेंस आपको बताया था, पास्ट के बाद पास्ट आता है, तो व्हेन आई वाज यंग पास्ट है तो आगे पास्ट होना चाहिए. एरर पार्ट बी, कैन का कुड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, ही नीड्स नॉट टू कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क. पार्ट ए एरर है. क्यों है? जब नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद नॉट नहीं आता, और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे तो इनमें ऐसे एस नहीं जुड़ता. तो यहां अगर से करेक्ट आपको करना है तो या तो इसमें से हमें एस हटाना पड़ेगा और टू हटाना पड़ेगा, या इसमें से हमें फिर ये केवल नॉट हटा देना है, यह मेन वर्ब का काम करेगा, तो इसलिए पार्ट ये गलत है. क्वेश्चन नंबर फोर, He dared not to go there. जैसा ऊपर बताया भी था, यहां डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि और ध्यान रखना है पॉइंट कि नॉट सहायक क्रिया के बाद आता है लेकिन मुख्य क्रिया से पहले आता है, तो नॉट डेयर के बाद आया, इसका मतलब डेयर यहां सहायक क्रिया का काम कर रहा है, और जब नीड और डेयर सहायक क्रिया का काम करें इनके बाद टू नहीं आएगा. एरर पार्ट हुआ बी. क्वेश्चन नंबर फाइव, आई यूज टू प्ले हॉकी वेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड. देखिए पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, और पास्ट टेंस में आदत बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, तो पार्ट ए आपका एरर हुआ. तो यहां पर यूज्ड आएगा, यूएसईडी. सिक्स, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर. देखिए कुड आता है क्षमता बताने के लिए, और किसी की ड्यूटी बताने के लिए कुड नहीं आता. पार्ट बी गलत है. यहां पर आपका ऑब्लिगेशन बताएंगे, और टू का यूज सबसे बेटर है, क्योंकि नैतिकता कर्तव्य प्रायता के लिए हम और टू को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेवन, वुड रेदर के बाद देन आता है THEN, THEN नहीं आता, कनेक्टर आता है THAN, तो पार्ट सी एरर है. क्वेश्चन नंबर एट, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन. लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं और वाक्य में नॉट नहीं लगाते हैं, तो पार्ट सी एरर है. क्वेश्चन नंबर नाइन, ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन. पास्ट के बाद पास्ट आता है तो यहां बिल नहीं आएगा, या वुड आएगा, या अथवा पास्ट में फिर टेंस बनेगा. पार्ट बी गलत है. क्वेश्चन नंबर टेन, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स. देखिए यहां पर नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद टू आया है, लेकिन यहां पर नीड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है. नीड नॉट है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर टू नहीं आएगा. पार्ट सी गलत है. क्वेश्चन नंबर इलेवन, रमा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट. देखिए मस्ट, ought, should, can, could, may, might, ये सभी मॉडल्स हैं, और सभी मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, केवल ought के बाद टू आता है, बाकी किसी मॉडल के बाद टू नहीं आता. पार्ट बी में एरर है. क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखेंगे, द गवर्नमेंट कैन नॉट एबल टू कंटेन. अब देखिए आपको बताया था मैंने, कैन कुड के बाद एबल अनेबल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो एरर पार्ट बी. 13,
When you were young, you had to learn good habits. जब आप छोटे थे तो आपको अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए थी. चाहिए था के अर्थ में ought to have का प्रयोग करते हैं, should have का प्रयोग करते हैं, और इनके बाद थर्ड फॉर्म आता है. पार्ट बी गलत हो गया, ये आपका पार्ट गलत है. इसको सही करने के लिए हमें यूज करना चाहिए ought to have learned. देखिए लर्न की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपने लर्न पढ़ी होगी, लेकिन लर्न के दो अर्थ होते हैं. एक अर्थ होता है लर्न मीन्स सीखना, जहां उसकी थर्ड फॉर्म लर्न होती है, ईडी जुड़ता है. और एक इसका अर्थ होता है याद करना, वहां उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म लर्न होती है, लर्न. तो अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी या याद करनी चाहिए थी? सीखनी चाहिए थी, इसलिए थर्ड फॉर्म लर्न आएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल. अदरवाइज बात विल आना चाहिए, ये गलत है पार्ट सी. 15, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी विल टॉप द कॉलेज. सो दैट इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट लगाते हैं, विल नहीं आएगा, पार्ट सी गलत है, यहां पर मे आएगा. 16, आई एम एनेक्सियस लेस्ट सी मे कम टूडे. देखिए लेस्ट बात जनरली सुड आता है, लेकिन अगर लेस्ट से पहले एनेक्सियस एफ्रेड फ्राइटेंड फियर्ड आता है, तो लेस्ट के बाद कोई भी इंडेफिनिट टेंस आता है अथवा मे माइट का प्रयोग करते हैं. तो इसलिए पार्ट आपका इसका कोई गलत नहीं है, ये नो एरर है पार्ट. तो लेस्ट के बाद ध्यान रखना है शुड कब आएगा, तो ध्यान रखना है कि यहां पर एनेक्सियस एफ्रेड फ्रैटर्न नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आपका लेस्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और मे माइट का प्रयोग भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट नो दैट सोनाक्षी इज योर फ्रेंड. जैसा आपको बताया था मैंने कि कैन कुड के बाद नो थिंक सी का प्रयोग नहीं करते अगर पीछे दैट क्लॉज है. इस जगह पर आपका गैस आता है, पार्ट ए गलत है, नो की जगह पर गैस आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो मी लेस्ट यू विल बी स्लिप. जैसा आपको बताया था लेस्ट के बाद सुड आता है, पार्ट सी गलत है, यहां पर सुड आएगा, should be slipped. 19, could you tell me the address of Dr. Simon. तो आपको बताया था विनम्र निवेदन करने के लिए हम could का प्रयोग भी करते हैं, would का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका no error है, इसमें कोई गलती नहीं है. क्वेश्चन नंबर 20, she is so kind that she can forgive you. अब आपको बताया था so or that, सो जहां एडवर्ब का काम करेगा और दैट जहां कनेक्टर का काम करेगा, तो अगले क्लॉज में हम बेसिकली कैन कुड का यूज करते हैं. अगर यहां प्रेजेंट है तो कैन आएगा, अगर यहां पास्ट है तो कुड आएगा. ये भी पार्ट आपका नो एरर है, ये भी आपका सेंटेंस. तो इस तरह से हम मॉडल्स के कॉम्बिनेशंस को करते हैं. अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार.